फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे डीपी बर्गर। माय सेल्फ विश्वास चक्रवर्ती इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम परसुइंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बर्गर एंड मैं आपके सामने लाया हूं एक ब्रिज जिसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको इस ब्रिज के बारे में कि क्या खासियत है इस ब्रिज में और ये क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं जैसा मैं नहीं दूंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ इस ब्रिज के प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बताऊं इसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम सस्पेंशन ब्रिज ही क्यों पड़ा, तो दोस्तों सस्पेंशन मीन्स होता है लटकना। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो डेक है जिसको हम पेवमेंट या सड़क भी बोलते हैं, ये दो तारों के बीच में क्या हुआ, लटक रहा है, झूल रहा है। इसलिए ये क्या है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन, मीन्स होता है लटकना। तो इसलिए इस ब्रिज को बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि ये क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द रीजन टू मेड इट, ये ब्रिज को, इस ब्रिज का निर्माण क्यों किया जाता है। बाकी और भी ब्रिज जो हम बनाते हैं, लेकिन इसी ब्रिज का निर्माण क्यों करते हैं दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस ब्रिज को ऐसी जगह बनाया जाता है। इसके दो खास रीजन मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ये है कि इस ब्रिज को ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पर, अगर हम बताएं आपको, ऐसा कोई नदी है, बड़ी नदी है, या फिर कहीं गहरी घाटी है जहाँ पे हम पिलर डालना संभव नहीं होता, या वहाँ पिलर नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पिलर बहुत गहरे भी पड़ेगा, जिसकी फाउंडेशन में बहुत ही मजबूत बनानी पड़ेगी, और उस पिलर के फेल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों, इस ब्रिज में क्या क्या करते हैं, क्या खासियत है कि इस ब्रिज के जो पिलर होते हैं, जो टावर आप देख रहे हैं, नदियों के किनारे किनारे हम इस टावर को, ब्रिज को, इनके पाइप को खड़ा कर देते हैं, और इस टावर के सहारे एक चैन बना देते हैं। इस चैन में क्या करते हैं, हम पूरे डेक को या पूरे रोड को, अगर आप रोड कहना चाहते हैं, इस रोड को हम देख के सारे लटका देते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। एंड दोस्तों, सेकेंड रीजन इस ब्रिज बनाने का ये है कि जैसे हम देखते हैं दोस्तों, एक घनी बस्ती है बहुत, और वहाँ पे इतनी जगह नहीं कि सिस्टम ब्रिज बना सके, वहाँ पर बीच में पिलर डाल सके। मान लीजिए बीच में ऐसा कोई पिलर आ रहा है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री भी है, मकान भी है, घर भी है, और वहाँ उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, तो दोस्तों हम इसको एक घनी आबादी में, वहाँ आबादी के दूर थोड़ा शहर के किनारे किनारे दो पिलर खड़े करके, और पूरे ब्रिज को हम केबल द्वारा हवा में टांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा रीजन आपका कि सस्पेंशन ब्रिज बनाया क्यों जाता है और कहाँ जाता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों मैं इसका इंट्रो दूँ, सिंपल सा इंट्रो, एक साधारण सा मैं इसके बारे में बताऊँ, तो दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज ऐसा ब्रिज है जो एक चैन के सहारे, उसकी रोड टंगी होती है, जो चैन के सहारे टंगा होता है दो पिलर के बेस पे। तो अगर दोस्तों मैं इसकी प्रिंसिपल और सिद्धांत की बात करूं, दोस्तों इसका सिद्धांत सिंपल से ही जो मैंने अभी तक बताया आपको, कि इसमें क्या होता है, एक डेक होती है जिसको रोड, आप रोड सिंपल भाषा में रोड भी बोल सकते हैं, इस पे जब फोर्स लगता है तो इसके चैन लगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो केबल लगी हुई, टेंशन केबल, इस पे टेंशन आता है, और ये पूरा का पूरा टेंशन इन टावर पे कंप्रेशन के रूप में पूरा अर्थ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरा ब्रिज हमारा क्या होता है, एक सेफ रहता है हमारे अर्थ पे, और हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ आपको, तो अगर मैं इसकी पार्ट की बात करूँ दोस्तों, तो पार्ट क्या होते हैं इसके, तो ये तीन पार्ट डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर, सेकेंड होता है सब स्ट्रक्चर, एंड थर्ड होता है फाउंडेशन। दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सुपर स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो, ये टेक देख रहे हैं आप, डेक, ये जो रोड है इसको टेक बोलते हैं, रोड के नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये जो बोलते हैं डेक होते हैं, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो दोस्तों, डेक के ऊपर का जितना पार्ट होता है ये सब आता है आपका सुपर स्ट्रक्चर में, डेक के नीचे का जो भी पार्ट होता है ये आता है आपका सब स्ट्रक्चर में, और दोस्तों ये जो वाटर लेवल आप देख रहे हैं, ये पानी है, नदी है, इसके नीचे होती है फाउंडेशन। तो दोस्तों, ये होती है फाउंडेशन। अगर दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दोस्तों मैंने जैसे बोला कि डेक के ऊपर जो भी पार्ट है, ये जो डेक लगे हुए हैं, जो गार्डन लगे हुए हैं, इसका जो ऊपर का पार्ट है क्या, सुपर स्ट्रक्चर। जैसे दोस्तों, ये टावर हो गया, ये आपकी चैन केबल हो गई, और जैसे ये आपका डेक हो गया, ये पेवमेंट हो गई, रोड हो गई, और ये हो गया आपका, ये जो यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों, इसमें टेंशन, जो टेंशन चैन लगी, यहाँ पे जो केबल लगी, जिसमें कसी होती है, इसको बोलते हैं एंकरेज बोलते हैं दोस्तों। तो मैं बताऊँ कि इस पूरे पार्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया सुपर स्ट्रक्चर, और दोस्तों बात करूँ सब स्ट्रक्चर की, जैसे आपकी पाइल्स हो गए, फाउंडेशन तो सर फाउंडेशन में आ जाती है, ये पाइल्स हो गए, और पाइल्स वगैरह जो भी होते हैं ये आपका सब स्ट्रक्चर में आता है, और नीचे आपकी होती है वाटर, नीचे फाउंडेशन होती है। तो दोस्तों, ये इसके पार्ट्स हो गए। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्रिज काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क दैट ब्रिज। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ये ब्रिज काम कैसे करता है, कि जैसे हम यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी निकालते हैं दोस्तों, ये आपका एक ट्रक है जिसमें गिट्टी भरी हुई है, जो ओवरलोड है। अगर दोस्तों मैं बताऊं, तो ये काम ऐसे करता है कि जब हम इस ट्रक को रखते हैं,
जब हम इस ट्रक को इस पे रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ है वेट मीटर। दोस्तों यहाँ पे वेट मीटर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे केजी में यूनिट आती है, यहाँ पे वेट मीटर लगा हुआ है। दोस्तों जब हम ट्रक को रखते हैं तो क्या होता है, ये यूनिट क्या होती है, यूनिट चेंज होती है। आप दोस्तों यहाँ पे आप रुकना, अब जी में यूनिट आ रहा है, रुको।